हर रोज जैन साहब अपने खजाने में से एक हीरा निकाल कर आपको बताते। कभी कभी जैन साहब मेरा ऐसा मन होता है कि मैं आपसे रोज रोज एक एक हीरा पूछूं निकालूं। मैं सोचता हूं खजाने की चाबी आपसे ले लूं, जरा सीधा सारे बता दो क्या क्या है अंदर और एक साथ ही हमें पता चल जाए। लेकिन फिर वो मुझे है ना कहावत याद आ जाती है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी भी मारो मत, एक एक अंडा लेते रहो। तो बताइए सर आज का आपका सोने का अंडा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही एग्जांपल देने वाला था और आपने यही बात कर दी है कि बोले ऐसे कैसे चलेगा। और फिर देखिए नाम तो मैं दे दूं मगर जो समय है, जो टाइमिंग है, एक्चुअली कई स्टॉक ऐसे होते हैं अनिल जी बहुत दिनों से ढूंढे हुए रहते हैं मगर उनकी टाइमिंग देख रहे होते हैं, टेक्निकल्स पे एकदम सही होना पड़ता है। कई बार बहुत चले हुए स्टॉक होते हैं उनको एक बार वापस से ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन भी देखते हैं। सो वैसे कोशिश करते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को मिक्स करके, और वैसा ही एक स्टॉक इस बार लाया हूं वो है ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। बहुत ही खुशबूदार शेयर है अनिल जी और खुशबू ऐसी है कि बहुत फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। पहले कैम्फर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स बोल के कंपनी थी, उसके साथ इसका मर्जर हुआ हुआ है और ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एफएमसीजी का एक अच्छा सरोगेट प्ले मान सकते हैं। और मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि बहुत पुरानी कंपनी है ये, 1955 से कार्यरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है नाम अलग से रहते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि भाई कैसी कंपनी है, कोई इधर उधर की तो नहीं है, बट ये कंपनियां कई बार नाम चेंज होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो इसीलिए ये सब होता है। बट ओवरऑल बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी है, 1955 से कार्यरत है, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है और काफी सारी रीजनल कंपनीज भी है जकार्ता और वगैरह में भी। सो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की इस कंपनी की बात करूं, हिस्ट्री की तो मैंने बात कर दी और एफएमसीजी का एक सरोगेट प्ले मैंने ये भी कहा, फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स जो यूज होते हैं और जो खुशबू टेस्ट वगैरह के लिए, जो तो उनके प्रमोटर ने बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत में ही इस चीज को भाप लिया था। और आप देखिए स्टॉक का पी मल्टीपल है सिर्फ 14 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 20 के लगभग, सेल्स की ग्रोथ पिछले 3 साल की कैगर 18-19% की, डेट्स नेग्लिजिबल है सिर्फ 50 करोड़ की डेट है 1150 करोड़ की कंपनी में, तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर वो 50% है जो कि बहुत इंप्रेसिव है। तो और सेल्स की मैंने ग्रोथ बताई दी कि अगर 18% की सेल्स की ग्रोथ है उसके सामने प्रॉफिट की अगर 50% है तो इसका मतलब बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बहुत फ्लेवर में है और प्रोमोटर की भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक है करीब 74-75% के लगभग 74.17, तो जो कि बहुत इंप्रेसिव है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इतने सालों से जो बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी मजबूत है और बहुत अच्छी पेडिग्री वाली पुरानी कंपनी है और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा लिस्टेड स्पेस में इनका कोई कॉम्पिटिटर वैसे दिखता नहीं है बहुत ज्यादा। और एक वैसे आप देखा जाए तो SH केलकर है बट वहां पे फंडामेंटल्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे तो इसलिए वो स्टॉक मैंने कभी रेकमेंड नहीं किया, बट यहाँ पे फंडामेंटल्स को काफी मेंटेन किया तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये स्टॉक और बिल्कुल इस स्टॉक को यहां से ले और 400 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को खरीदा जा सकता है।